नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करते हैं। दरअसल भिवानी में बेखौफ घूम रहे हैं बदमाश। बेखौफ बदमाशों ने दुकान में तोड़फोड़ की है। दुकान में बैठे लोगों ने छुपकर अपनी जान बचाई। लाठी डंडों से दुकान पर हमला इनकी तरफ से बोला गया। तोड़फोड़ और लूट की वारदात को अंजाम देकर ये बदमाश फरार भी हो गए। हालांकि पुलिस की तरफ से इस मामले में जांच पड़ताल की बात जरूर कही जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। किस तरह से प्रदेश में बदमाश बेखौफ है ये आप देख सकते हैं। भिवानी में नई सब्जी मंडी में देखिए ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। किस तरह से बदमाशों की तरफ से तोड़फोड़ की गई है ये तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। कितने बेखौफ है बदमाश ये आप अंदाजा लगा सकते हैं इन तस्वीरों के बाद। ये सीसीटीवी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दुकान में बैठे लोगों ने किसी तरह से छिपकर अपनी जान बचाई है। लाठी डंडों से इनकी तरफ से ये हमला बोला गया। किस तरह से तोड़फोड़ इनकी तरफ से की जा रही है ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। भिवानी की ये तस्वीरें हैं जहां पर बदमाश बेखौफ है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इंडिया न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। बेखौफ बदमाशों की तरफ से दुकान में तोड़फोड़ की गई है। किसी तरह से दुकान में बैठे लोगों ने छिपकर अपनी जान बचाई। लाठी डंडों से दुकान पर हमला इनकी तरफ से बोला गया। ये आप तस्वीर देख सकते हैं कि किस तरह से ये सामान को फेंक रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इंडिया न्यूज आप तक पहुंचा रहा है भिवानी से। इस वक्त की बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। भिवानी से ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। कितने बेखौफ है बदमाश ये आप देख सकते हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता रवि जुड़ चुके हैं। रवि, क्या कुछ था ये पूरा मामला? तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर बदमाश बेखौफ नजर आते हैं। बिल्कुल आकांक्षा, भिवानी के सब्जी मंडी का पूरा मामला है, जहाँ पर दुकान नंबर 34 के मालिक जो है, अगर हेमंत सैनी की बात करें तो उनके मुताबिक उन्होंने जो पुलिस को जानकारी दी थी, मीडिया को जो जानकारी दी थी, उसके मुताबिक बीती रात करीबन 9 बजे करीब 25 से 30 बदमाश आते हैं। अचानक उनकी दुकान में तोड़फोड़ कर अंदर घुस जाते हैं और दुकान के शीशे तोड़े, अंदर तोड़फोड़ की, साथ ही साथ 2 मोबाइल, 1 लैपटॉप भी तोड़ दिया। इस तरह की जानकारी दी गई है। 45 से 40 हजार रुपए की नकदी लेकर भी वो लोग फरार हुए हैं। उन्होंने बताया कि जो है दुकान पर मौजूद लोगों ने, जो दुकान के अंदर जो लोग मौजूद थे, उन्होंने कोल्ड स्टोर में घुस करके अपनी जान बचाई थी। बिल्कुल रवि, हम तस्वीरों के जरिए दिखा भी रहे हैं जो ये सीसीटीवी फुटेज सामने आई है, लेकिन पुलिस की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई अभी तक की गई है, कोई जानकारी इस बारे में आपके पास? देखिए, पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की छानबीन की जा रही है। जो पवन नामक युवक है, उसकी शिकायत पर दुकान पर तोड़फोड़ और कुछ पैसे चुराने की शिकायत जो है, उसके मामला जरूर दर्ज किया गया है। वहीं भिवानी के पुलिस अधीक्षक संगीता कालिया की अगर बात करें, उनसे भी हमने बात की थी। उनका कहना था कि मामले को गंभीरता से पुलिस ले रही है, पूरे मामले की छानबीन की जाएगी और दोषियों को, आरोपियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। ठीक है रवि, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। सीसीटीवी फुटेज है आपकी टीवी स्क्रीन पर कि किस तरह से यहां पर बदमाशों की तरफ से तोड़फोड़ की गई। हालांकि किसी तरह से दुकान पर मौजूद लोगों ने छिपकर अपनी जान बचाई। लाठी डंडों से वार इनकी तरफ से किया गया। तोड़फोड़ और लूट की वारदात को यह अंजाम देकर मौके से फरार हो गए। अब पुलिस इस मामले में जांच की बात कह रही है। भिवानी से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये सीसीटीवी फुटेज इस पूरी घटना का सामने आया है। ये 25 से 30 बदमाश बताए जा रहे हैं जो अचानक से दुकान पर आते हैं और लाठी डंडों से ये तोड़फोड़ यहां पर करते हैं, लूट की वारदात को अंजाम देते हैं और मौके से ये फरार हो जाते हैं। अब इस मामले को लेकर पुलिस जांच पड़ताल की बात कह रही है। और चलिए इसी बीच इस वक्त की एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं। कैथल में कोरोना का कहर लगातार देखने के लिए मिल रहा है। एक साथ 30 कोरोना पॉजिटिव केसेस सामने आए हैं कैथल में। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, कोरोना को लेकर अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। कैथल से 30 पॉजिटिव केसेस सामने आए हैं कोरोना के। बहुत तेजी के साथ कैथल में कोरोना से संक्रमित मरीजों का जो ग्राफ है वो बढ़ता हुआ, अब पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 30 पॉजिटिव केस सामने आए हैं। सिरसा में अभी तक 763 कोरोना का आंकड़ा पहुंच चुका है मरीजों का। बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। कैथल का अगर जिक्र करें, कैथल में कोरोना के पिछले 24 घंटे में 30 पॉजिटिव केसेस सामने आए और उसके बाद
अगर सिरसा की भी हम बात करें, बहुत तेजी के साथ सिरसा में कोरोना से संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़ता हुआ 763 कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या पहुंच चुकी है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता मनोज कैथल से जुड़ चुके हैं। उधर अमर सिंह हमारे साथ सिरसा से जुड़ चुके हैं। मनोज, सबसे पहले आपके पास आऊंगे, आपसे जानने की कोशिश करूंगी। फिलहाल कैथल से जो अपडेट सामने आ रहा है, 30 कोरोना के पॉजिटिव केसेस सामने आए हैं पिछले 24 घंटे में, क्या जानकारी आपके पास, विस्तार से आप बताएं। जी बिल्कुल, देखिए कैथल के अंदर लगातार कोरोना का कहर जारी है और आज कैथल के अंदर 30 पॉजिटिव मामले सामने। अगर हम कल की बात करें तो 157 पॉजिटिव केस, जो एक्टिव केस है वो 157 हो चुके थे कल, और आज 24 घंटे के अंदर 30 जो पॉजिटिव मामले आए, इसमें एक कहर जारी रहा है कोरोना का। और उसके साथ साथ टोटल अगर हम इनका करें कल के 157 का और आज के 30 का, तो 187 कोरोना पॉजिटिव मामले टोटल हो गए हैं कैथल में, और जो रोगी है वो 498 रोगी टोटल हो चुके हैं। और इसको लेकर प्रशासन की अगर हम बात करें, प्रशासन, जिला प्रशासन जो एक कोरोना कोविड-19 महामारी है, इसमें इसको रोकने में नाकामयाब साबित हो रहा है। और अगर मैं बात करूं स्टार्टिंग की, तो 30 मार्च को एक पहला पॉजिटिव के मामला कैथल में आया था, तो प्रशासन में बिल्कुल भगदड़ मच गई थी। लेकिन अब लगातार 25 से और 30 के बीच में लगातार मामले पॉजिटिव आ रहे हैं, लेकिन प्रशासन बिल्कुल हाथ पे हाथ रखकर बैठा हुआ है। और रही बात कैथल जिले के अंदर मास्क की डिस्टेंस को लेकर, इसको लेकर भी प्रशासन बिल्कुल फैल है। और बिल्कुल जो स्वास्थ्य विभाग है, अगर हम बात करें हॉस्पिटल की, अपना जो कैथल का हॉस्पिटल है सरकारी, वो बिल्कुल एक बीमार अवस्था में पड़ा हुआ है, कोई सुविधा उसमें नहीं है। अगर कोई पॉजिटिव रोगी मिलता है तो उसको उसके घर में ही आइसोलेट किया जाता है, ना कि हॉस्पिटल में उनको लेके आते हैं और वहीं पर उनका इलाज किया जाता है। और उसको लेकर जो सील किया जाता है एरिया, उसमें भी बहुत ही कमी दिखाई दे रही है। इतने एक्टिव प्रशासन अब दिखाई नहीं दे रहा है, पहले को सील कर दिया जाता था और किसी को एंट्री नहीं होती थी, होमगार्ड की ड्यूटी होती थी, पुलिस की ड्यूटी होती थी, लेकिन अब ऐसा कुछ देखने में नहीं कैथल में मिल रहा है। बिल्कुल, और शायद यही लापरवाही है कि बहुत तेजी के साथ मनोज आंकड़ा बढ़ता हुआ। अमर सिंह, आपसे जानने की कोशिश करूंगे, फिलहाल सिरसा की हम बात करें, बहुत तेजी के साथ सिरसा में भी कोरोना से संक्रमित मरीजों का जो ग्राफ है वो बढ़ता हुआ, क्या अपडेट आपके पास? देखिए अंकश, अगर पिछले एक हफ्ता की बात करूं तो एक सप्ताह में करीबन 150 नए मामले सामने हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह से लगातार कोरोना का कहर जारी है, आंकड़े बढ़ रहे हैं। आज की बात करूं तो अब तक, हालांकि जो सुबह का बुलेटिन मेडिकल बुलेटिन आया है, शाम का भी आना बाकी है, उस तक 763 मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें से 365 जो मरीज एक्टिव मरीज है। यानी लगातार रोजाना कोरोना के नए मामले सामने आ रहे हैं, जबकि पहले ये स्थिति ये थी कि जो लोग बाहर से आते थे, ऐसा माना जाता था आमतौर पर जितने आंकड़े आते थे, जो हम विश्लेषण करते हैं तो उसमें देखा जाता है कि जो आदमी बाहर से आता था, खासकर से एनसीआर एरिया से आता था, वो पॉजिटिव पाया जाता था। लेकिन अब की अगर स्थिति की बात करें तो अब सिरसा के अंदर स्थिति है कि जो पहले से कोरोना पॉजिटिव केसेज है उनके संपर्क में आने से, यानी कहीं कहीं जो कैंटोनमेंट जोन बनाए जाते हैं, लगातार मामले कैंटोनमेंट जोन से आते हैं, यानी जो पॉजिटिव जो व्यक्ति आता है उसके संपर्क में आ सकता है। दूसरा इसका पहलू ये भी है कि जो टेस्टिंग है वो लगातार बढ़ाई जा रही है। सिरसा के आंकड़ों की बात करूं तो अब तक 30,000 के करीबन टेस्टिंग हो चुके हैं, रोजाना करीबन 1,000 से 1,100 सैंपल रोजाना लिए जाए, यानी कहीं कहीं टेस्टिंग ज्यादा बढ़ाने की वजह से जो मामले सामने आ रहे हैं, इसको हम अगर दूसरी जगह देखें तो एक राहत की बात है कि कम से कम जो कोरोना पॉजिटिव है उसका समय पता चल रहा है और समय पर इलाज किया जा रहा है। अब जो नई व्यवस्था बनाई गई है सिरसा के अंदर, पूरे प्रदेश में कहूंगा कि जो बिना लक्षण वाले मरीज है उनको होम आइसोलेशन किया जाता है। सिरसा के आज के आंकड़े की बात करूं, 211 ऐसे मरीज हैं जिनको होम आइसोलेट में जिनका ट्रीटमेंट चल रहा है, और बाकायदा स्वास्थ्य विभाग द्वारा जब उनको होम आइसोलेट में भेजा जाता है तो एक किट दी जाती है, और किट में पूरी लगातार 14 दिन की दवाइयां होती है, और उसके बाद उससे संपर्क लगातार स्वास्थ्य विभाग साधा जाता है। इसी तरह से जिनमें कुछ लक्षण होता है, चाहे बुखार है या किसी गले की दिक्कत है या दूसरे जो टेस्ट किया जाते हैं उसके अंदर कोई दिक्कत है, तो उनको हॉस्पिटल में दाखिल किया जाता है। अब दाखिल की बात करें तो सिरसा के अंदर पहले जो नागरिक अस्पताल था उसको कोविड हॉस्पिटल बदला गया था,
लेकिन अब जो आम मरीजों की संख्या बढ़ रही है और आम लोग जो दूसरी बीमारी से ग्रस्त है उनकी समस्या को देखते हुए जो कोविड हॉस्पिटल सिरसा का है वो कल से दोबारा से नागरिक अस्पताल यानी सामान्य मरीजों की जांच करेगा और इसके साथ जो कोविड के मरीज है उसको डेरा में जो अस्पताल है वहां शिफ्ट किया गया है और साथ साथ में जेसीडी विद्यापीठ में अस्पताल है उन दोनों को इसके लिए टेकआउट किया गया। दोनों में अभी कोविड के मरीज जाएंगे और जो नागरिक अस्पताल है वहां सामान्य मरीज देखा जाएगा, खास करके डिलीवरी की दिक्कत आ रही थी। उसके बाद लगातार स्वास्थ्य विभाग ने कहा कि जो कंटोनमेंट जोन एरिया है वहां पे लगातार सैंपलिंग बढ़ाई जाए, साथ साथ में प्रशासन द्वारा डीसी द्वारा ये निर्देश दिए गए कि सख्ती की जाए क्योंकि आमतौर पर अब जो लापरवाही की सामने आ रही है कि लोग इससे डर नहीं रहे, पहले कोरोना का भय था अब लोग कहीं ना कहीं सोचते हैं कि कोरोना का भय नहीं है। हालांकि शायद यही कारण है कि बहुत तेजी से आंकड़ा बढ़ता हुआ। मनोज और अमर सिंह दोनों का शुक्रिया करना चाहूंगी मैं फिलहाल, लेकिन इसी बीच इस वक्त की एक और बड़ी खबर काम रुक करते हैं, बड़ी जानकारी आप तक दरअसल पहुंचा देते हैं। प्रदेश के 242 गांव लाल डोरा मुक्त होंगे। दरअसल 2 अक्टूबर तक लाल डोरा मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है इन 242 गांव को। बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर है, इसको लेकर सीएम की तरफ से ट्वीट भी किया गया, 2 अक्टूबर तक लाल डोरा मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है। दरअसल आपको यह भी बता दें कि जिस तरह से ये लक्ष्य रखा गया है 11-11 गांव को लाल डोरा मुक्त घोषित किया जाएगा देश के हर जिले से, लेकिन हरियाणा का अगर हम जिक्र करें 2 अक्टूबर तक के लिए ये लक्ष्य रखा गया है। दरअसल आपको बता दें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भारत के महासर्वेक्षक लेफ्टिनेंट जनरल गणेश कुमार के साथ डिजिटलाइजेशन मैपिंग और स्वामित्व योजना की समीक्षा के दौरान ये जानकारी दी है। 2 अक्टूबर तक ये लक्ष्य रखा गया है जिसको हासिल करने के लिए योजना तैयार भी की जा रही है। पंचायत और विकास मंत्री के नाते डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला भी इस बैठक में शामिल हुए थे, जिसके बाद ये तमाम जानकारी निकलकर सामने आई है। 242 गांव लाल डोरा मुक्त करने की बात कही गई है प्रदेश के। हालांकि आपको ये भी बता दें कि करनाल जिले के सिरसी प्रदेश का पहला लाल डोरा मुक्त गाँव है। करनाल जिले के सिरसी ये प्रदेश का पहला लाल डोरा मुक्त गांव है और अब 2 अक्टूबर तक लक्ष्य रखा गया है 242 गांव लाल डोरा मुक्त करने का। उधर पहाड़ों पर हुई बरसात के चलते मैदानी इलाकों में जलमग्न शुरू हो गए हैं। जगाधरी के बिलासपुर में सोम नदी उफान पर आने से आधा दर्जन गांव इसकी चपेट में आ गए। प्रशासन ने प्रभावित इलाकों का दौरा भी किया, सड़कों पर 3-3 फीट पानी जमा हो गया जिससे लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही है। बड़े वाहन भी पानी में फंसते नजर आए, कई रास्तों पर वाहनों का आना जाना तक रोक दिया गया। बरसात के कारण ये मैदानी इलाकों में लोगों को खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं कि किस तरह से लोग इस सड़कों पर जो जलमग्न सड़कें हुई हैं उसी के बीच से निकलते हुए वाहन चालकों को खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, भारी बारिश के कारण सड़कें पूरी तरह से जलमग्न हो गई जिसके कारण लोगों को काफी दिक्कतें हुई। उधर रोहतक पीजीआई में जारी कोरोना वैक्सीन का ट्रायल का पहला फेज पूरा हो चुका है। इस बात की जानकारी आज हमें खुद उस शख्स ने दी जिसके ऊपर कोरोना वैक्सीन का ट्रायल हुआ है। अंबाला के रहने वाले अरुण के ऊपर कोरोना वैक्सीन के पहले फेज का ट्रायल अब पूरा हो चुका है। अरुण ने बताया कि उस पर हुए ट्रायल को सफल माना जा रहा है क्योंकि उसके शरीर पर वैक्सीन का कोई भी दुष्प्रभाव नजर नहीं आया है। वहीं अरुण ने जानकारी दी कि रोहतक पीजीआई में 80 से ज्यादा लोगों पर कोरोना वैक्सीन के ट्रायल किए गए हैं। वहाँ पे मेडिकल के लिए बुलाया गया रोहतक पीजीआई में डॉक्टर ध्रुवा चौधरी जो नोडल ऑफिसर हैं पूरे हरियाणा के कोविड-19 के, तो उन्होंने मेडिकल किया तो प्रॉपर ही फिट आया। यूरिन का सैंपल लिया उन्होंने और कोविड-19 का किया तो भी नेगेटिव आए। तो उसके बाद उन्होंने 48 घंटे बाद मुझे कॉल किया और साथ में यही बताया कि आपकी बॉडी पूरी नॉर्मल है, मेडिकली फिट हो, और ये कहा कि आप 31 जुलाई को वैक्सीनेशन के लिए आ जाओ। तो जैसे ही मैं वहाँ पे गया तो मुझे वैक्सीन लगाई, वैक्सीन लगाने के साथ ही उन्होंने मुझे आईसीयू शिफ्ट कर दिया। आईसीयू शिफ्ट करने के बाद मुझे उन्होंने अंडर ऑब्जर्वेशन रखा, कम से कम 6 से 7 डॉक्टर मेरे साथ थे ताकि अगर शरीर में कोई भी हरकत हो ताकि उसको साथ के साथ संभाला जा सके, कि इसका वैक्सीन का कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है। उसको देखते हुए उन्होंने अंडर ऑब्जर्वेशन 2-3 घंटों के लिए रखा और जैसे उन्होंने देखा कि शरीर में कोई भी हरकत नहीं है और वैक्सीन अपना काम अच्छे से कर रही है
तो उन्होंने उसी शाम सेम डे मुझे अम्बाला वापसी भेज दिया है सर। उधर अम्बाला में कोरोना मरीजों की सेहत में सुधार के लिए स्वास्थ्य विभाग कोरोना पॉजिटिव मरीजों के मानसिक और शारीरिक मजबूती पर विशेष ध्यान दे रहा है। अम्बाला के कोविड केयर सेंटरों में कोरोना पॉजिटिव लोगों को हर रोज योग कराया जा रहा है, साथ ही मरीज खुद को फिट रख सके और देश दुनिया की जानकारी भी ले सके, इसके लिए कोविड सेंटरों में मरीज के खेलकूद और LED का इंतजाम किया गया है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि किस तरह से स्वास्थ्य विभाग की तरफ से नई पहल की गई और उसी के जरिए ये मरीज आपको योग करते हुए नजर आ रहे हैं। मानसिक और शारीरिक मजबूती के लिए स्वास्थ्य विभाग की तरफ से ये नई पहल की गई, कोविड सेंटरों में खेलकूद और LED का भी इंतजाम किया गया है जो आप अपनी TV स्क्रीन पर देख सकते हैं। अभी टिड्डियों के कहर से निजात भी नहीं मिली कि कपास पर सफेद मक्खियों ने कहर ढाना शुरू कर दिया। किसानों की फसलों पर सफेद मक्खी का प्रकोप शुरू हो गया है। पिछले कई सालों से इसकी वजह से किसानों को भारी खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। कृषि विभाग ने किसानों को अलर्ट रहने के लिए कहा और समय पर कीटनाशक का छिड़काव करें, छिड़काव करने के लिए कहा है, नहीं तो फसल भी तबाह हो सकती है। अब टिड्डियों के बाद ये सफेद मक्खी किसानों के लिए आफत बनकर सामने आ गई है। हालांकि प्रशासन की तरफ से अलर्ट कर दिया गया है। उधर प्रदेश के वन एवं पर्यावरण मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि पौधे लगाना और उनकी पेड़ बनने तक रक्षा करने का कर्तव्य सभी का है। सरकार सभी के सहयोग से ही प्रदेश को हरा भरा करने के अभियान में जुटी हुई है और हमारा लक्ष्य 30% वन क्षेत्र का है। गुर्जर आज गन्नौर के चिरस्मी गांव में आयोजित विशाल पौधारोपण कार्यक्रम में पहुंचे हुए थे। वहीं उन्होंने सरकार के कार्यकाल के कुछ काम भी गिनवाए। कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर की तरफ से पौधारोपण कर दिया, जितना पहले 50 साल में किया, तो जो हमारा वर्कर है तो वो कहता है कि इतना कर दिया, जो दूसरा वो कहता है कि नहीं यार कुछ ज़्यादा कह रहे, जो बीच का है वो भी सोचता है कि ज़्यादा कह रहे। मैं भी आपको 2-3 बातें आपको बताता हूँ कि हमने पिछले प्लान में 86 कॉलेज हैं वो मंजूर किए थे। हमने एक टारगेट रखा माननीय मुख्यमंत्री जी ने कि 15 किलोमीटर के दायरे में हम स्कूल दें, कॉलेज दें, तो हमने वो दिया। और अभी 6 कॉलेज ऐसे थे जहाँ जरूरत थी, तब अभी उसमें कमी थी, वरना 11, तो अभी 11 कॉलेज माननीय मुख्यमंत्री जी ने और मंजूर किए। तो इन 5.5 साल में हमने 96 कॉलेज मंजूर किए। अगर पिछली सरकारों का देखा तो पूरे टाइम के 75 हैं, तो आपके सामने हमने मॉडर्न संस्कृति स्कूल खोले, पूरे टाइम में 22 खोले उन्होंने। अभी हमने 98 की मंजूरी दे दी और अभी हमारे कुछ कॉलेज रह रहे, तो इसी उसमें हम 106 या 105 संस्कृत मॉडल स्कूल खोलेंगे। अब आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि उन्होंने क्या किया और हमने क्या किया। और जो सड़कें और दूसरे काम आप देख रहे हो भी आपके सामने, तो सरकार जिस उससे काम कर रही, और जैसे स्कूल का भी है, अभी जो नई शिक्षा नीति आई, तो नई शिक्षा नीति में कहा कि भाई 3 साल का जो बच्चा है उसका दिमाग डेवलप होना शुरू होता है, 5 साल तक विकसित रहता है, तो हमने उस पर काम करना शुरू कर दिया। अभी हमने 1000 स्कूल अभी हमने निर्णय लिया कि अभी खोल लेंगे, और 4500 स्कूल का टारगेट हमने पहले रख लिया था नई शिक्षा नीति आने से पहले। जहाँ पौष्टिक आहार देने की बात आई उसमें भी हमने पहले से रखा, जिसकी अभी तक पूरे देश में डिमांड है सिर्फ ये कि मिलना चाहिए, वो हम 6 दिन सभी बच्चों को दूध देते हैं ताकि उनका स्वास्थ्य अच्छा हो, तो उस पर हम काम कर रहे हैं और आने वाले टाइम में। और चलिए एक नज़र इस वक्त की सुर्खियों पर भी डाल लेते हैं। सुर्खियां आपको दिखाएंगे, लेकिन इसी बीच इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर सामने आ रही है, इस वक्त की बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें। दरअसल भिवानी से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, नई सब्जी मंडी में बदमाशों का आतंक जिस तरह से देखने को मिला, बेखौफ बदमाशों ने दुकान में तोड़फोड़ की है। इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं। दुकान में बैठे लोगों ने किसी तरह से छिपकर अपनी जान बचाई। तोड़फोड़ और लूट की वारदात को अंजाम देकर ये बदमाश मौके से फरार भी हो गए। हालांकि इस मामले को लेकर पुलिस जांच पड़ताल की बात जरूर कह रही है, लेकिन बदमाश कितने खौफ हैं, बेखौफ हैं, ये आपको बता दें कि नई सब्जी मंडी में ये बदमाशों की तरफ से एक दुकान पर तोड़फोड़ की गई। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, ये CCTV फुटेज सामने आया है इस पूरी घटना का, किस तरह से यहाँ पर बदमाश घुसते हैं, उसके बाद तोड़फोड़ की जाती है, आप देख सकते हैं। और चलिए अब एक नजर इस वक्त की सुर्खियों पर डालते हैं। प्रस्तुत करता है हेम पुष्पा, इम्यूनिटी बढ़ाए स्वस्थ बनाए, महिलाओं की नंबर 1 आयुर्वेदिक औषधि व टॉनिक। 2 अक्टूबर तक लाल दौरा मुक्त होंगे प्रदेश के 2